मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। कक्षा एक विषय हिंदी, जिसमें बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक है कार्तिकेय। इसका दूसरा पाठ है मंत्री की खोज। ये बच्चों एक कहानी है अकबर और बीरबल की। आइए देखें इस कहानी में क्या है। ये मुगल सम्राट अकबर के मंत्री बीरबल थे। तो बीरबल की अवस्था जब हो गई, यानी जब वो बूढ़े हो गए, तो उन्होंने महाराज अकबर से कहा कि मुझे अब सेवा से निवृत्त कर दिया जाए, यानी मुझे अब छुट्टी दे दी जाए। तो अकबर ने कहा कि ऐसे बीरबल जी, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको अपने जैसा ही एक ईमानदार मंत्री ढूंढना पड़ेगा। बीरबल ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने राजा अकबर से कहा कि आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो भी मंत्री पद चाहता है वो अपना आवेदन दे। बहुत से आवेदक राजा के दरबार में आए। राजा ने उनके सामने नाचने की शर्त रखी कि जो भी नाचेगा उसे मंत्री पद दे दिया जाएगा। तब क्या हुआ, बहुत से आवेदक आए। तो उन्होंने राजा ने कहा कि जो अंधेरी गली थी राजा के दरबार में, जहां आवेदक लोग को नाचना था, वहां उन्होंने सोने के सिक्के को बोरियों में रखवा दिया। बहुत से आवेदक आए। उन्होंने क्या किया, सबको राजा ने कहा कि आप नाच के दिखाओ। तो सभी आवेदक जो है चले गए, लेकिन एक आवेदक नाचा और उसको मंत्री का पद दिया गया। जानते हो बच्चों क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि जब अंधेरी गली से होकर आवेदक लोग आए, तो उन्होंने अपनी जेब में सोने के सिक्कों को भर लिया था, क्योंकि जब वो नाचते तो सारे सोने के सिक्के आपस में खनकने लगते या गिर जाते। तो बीरबल बहुत होशियार थे, ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि देखो बच्चों, मतलब उन्होंने बताया इस कहानी के माध्यम से कि जो ईमानदार होते हैं उनके अंदर ये ऐसी भावना नहीं होती, वो आराम से अपने कर्म को निभाते हैं। जैसे जो आवेदक ईमानदार था, उसने एक भी सिक्के नहीं उठाए और उसने अपना गुण प्रस्तुत किया और उसे मंत्री पद मिला। लेकिन बादशाह अकबर ने बीरबल को भी अपने दरबार से जाने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि वो उन पर ही भरोसा करते थे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे। बच्चों ये है आपकी कहानी, लेकिन इसका एक्सरसाइज और बुक में फिल करना आपका चैप्टर 2। इसको आप होमवर्क में, नोटबुक में भी और बुक में भी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।